कहते हैं कि क्या बीवी अपने शौहर को नाम के साथ पुकार सकती है, वरना क्या कहेगी 420 या 786? अकल करो, क्यों नहीं पुकार सकती? नाम लेने से यार निकाह टूट जाएगा। अजीब लोगों ने बना रखे हैं मसले कि बीवी शौहर का नाम ले। क्यों नाम ना ले जनाब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम अजवाज मुत्तहरात हजूर का नाम नहीं लेती थी, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते जी खावंद अपनी बीवी का नाम लेके पुकार सकता है, पुकार सकता है, क्यों नहीं पुकार सकता? लेकिन लोगों के आगे ना पुकारा करें, क्योंकि लोग नाम से गलत फ़ायदे उठाते हैं, स्कैंडल बन जाते हैं। इसलिए हुक्म होता है कि आदमी खुद तो पुकार सकता है, जायज़ है, लेकिन लोगों के सामने ना पुकारे। मेरा नाम मोहम्मद है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, ये तो सबसे बेहतर और प्यारा नाम है हजूर के नाम पर। ना मेरा नाम असल है ना मोहम्मद मक्की इजाद, तो जब वो उन्होंने मेरे आइडेंटिटी कार्ड बनाने चाहे तो उन्होंने कहा जी हाँ कंप्यूटर जो है ना लंबा नाम नहीं कबूल कर सकते, एक नाम रखें, या मक्की रखें या मोहम्मद रखें। मैंने कहा जी मक्की को छोड़ दो, मोहम्मद का नाम मैं क्यों छोड़ दूँ? तो इसलिए अब मेरा नाम कानूनी जो है ना वो मोहम्मद खैर मोहम्मद ही जारी हो गया। मोहम्मद मेरे नाम से, खैर अब्बे के नाम से, और मोहम्मद दादे के नाम से, चार नाम लिखते हैं ना, हिजाजी लकब है। हालांकि साहब का नाम जो मेरा है वो मोहम्मद मक्की हिजाजी है। अब जितने हमारी संदे हैं, सर्टिफिकेट हैं, साहब का रिकॉर्ड, वो सब मोहम्मद मक्की हिजाजी के नाम से। मैं तो एक दफ़ा परेशान हो गया कि भाई मेरी जायदाद है वो तो मोहम्मद मक्की के नाम से है। तो फिर मेरे दोस्त थे जस्टिस मुनीर खान, अल्लाह की कब्र पर रहमत करें, बहुत बड़ा कानूनदान था और बहुत बड़ा जरत वाले जज थे, फिर पुलिस ने उनको कत्ल करा दिया। उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा मक्की साहब नाम बदलने से गुजारत तो नहीं बदल जाती, शख्सियत तो आपकी वही है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता जी मेरे बेटे का नाम बुरहान अहमद है, साथ साथ सबक भूल जाते तो नाम का क्या खराबी है? अगर उसका नाम बुरहान ना हो तो अल्लाह के नबी का नाम छोड़ के शैतान रख लो, फिर तो सबक याद कर लेगा। ये क्या लोग अक्कल बनाए हुए जी, नाम भारी पड़ गया है, अच्छा जी हल्का कैसे करें, धो डालें उसको, वजन कम हो जाएगा उसका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे ऐसे लोगों ने मसले खड़े हैं कि आदमी का दिमाग चकरा जाता है। अल्लाह के बंदे, हो सकता है बेचारे का दिमाग कमज़ोर हो, या किसी अच्छे उस्ताद के पास बिठाओ जो उसकी तरबियत करें।